ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संबति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हमारे बीच हमारे सबके नेता कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी आ चुके हैं और हम यहां पर वंदे मातरम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी को विनती है कि आप अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे। ध्वज टुकड़ी शुरू करें, गेट टुकड़ी। धन्यवाद साथियों। मैं आप विनती करूंगा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी श्री माननीय सोनिया जी का फूल के सूत की माला से स्वागत करेंगे। समय की नजाकत को देखते हुए मैं पूरी श्वेत सेना की ओर से, दिल्ली प्रदेश की ओर से माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। साथियों, हम एक और नारे से इस बात की शुरुआत करेंगे। पूरे भारत में जब 1275 किलोमीटर की यह यात्रा गांधी आश्रम से निकलकर यहां तक आई है तो मैं स्वागत की शुरुआत अपना भारत माता के नारे से करना चाहूंगा। सनातन संस्कृति के हिसाब से भारत माता की जय का नारा हम अब 3 बार लगाते हैं। एक बड़ी दिल से आवाज निकलती है, बोलो भारत माता की जय, जय, जय। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। यही भारत माता का नारा गांव गांव गलियों में कस्बों में ढाणियों में लेकर जब सेवा दल की टीम यहां पर पहुंची है तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सबकी नेता प्रेरणा के स्रोत और पूरे भारत के मैडम सोनिया जी हमारे बीच में निकल के वो भी उस वक्त जहां पे लोग है, उस वक्त आप दल के साथ में आए, आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से यहां पर स्वागत करता हूं। हम इस स्वागत की कड़ी में बात करते हुए यही भारत माता का एक और नारा है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। अब भारत की इस भारत माता की टुकड़ों में अलग अलग रंगों में अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रदेश में बांटने की कोशिश करो तो हम नहीं होने देंगे। इस तिरंगे झंडे को लेकर निकलेंगे और कहेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। मैडम एक और नारा जो हम लोग करीबन 60 दिन से लगा रहे हैं वो ये है कि कोई दंडों से तोड़ता है तो हम झंडों से जोड़ते हैं। ये झंडा देश की ताकत है, इस तिरंगे के नीचे सब सलामत है। तो हम कहते हैं तुम दंडों से तोड़ोगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। अरे तुम्हारे हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। ये डंडे और झंडे की विचारधारा की लड़ाई है,
यह तिरंगों के सामने दो रंगी सोच की लड़ाई है। यह देश को अलग अलग रंगों में, कोई हरे में, कोई गहरे भगवे में, कोई लाल में, कोई नीले में और पीले में बांटना चाहता है। ये देश की एकमात्र पार्टी है सिर्फ तिरंगे को मानती है और इसीलिए ये तिरंगा लेकर चलती है। और इस तिरंगे के लिए, इसी तिरंगे के लिए यही कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपने जान न्योछावर करके आजादी में कुर्बानी दी, माननीय अध्यक्षा का वो मनसा पर और राहुल जी के निर्देश पर कि आजादी के 75 साल, आजादी के 75 साल वो संघी सोच वाले या अलग अलग बांटने वाले नहीं मनाएंगे। जो आजादी के जंग में वो नहीं लड़े हैं वो नहीं मनाएंगे। इसीलिए हमारे मैडम ने मंशा जताई कि सेवा दल के, कांग्रेस के और हर हमारे श्रृंखल को निकल जाना चाहिए। और इसीलिए उनकी मंशा पर, उनके निर्देश पर आजादी गौरव यात्रा निकली। और वो आजादी गौरव यात्रा कांग्रेस इसलिए कर रही है कि विरासत हमारी है कुर्बानी की, बलिदानी की। तो वो याद करो कुर्बानी का, वो लोगों के साथ लगातार निकले और उनको भी मैसेज मैडम हम लगातार देते रहे। कुछ लोगों ने कहा थोड़े दिन पहले कि आजादी भीख में मिली, कि आजादी भीख में मिली। तो हमारे साथी कहते थे याद करो वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जहां कांग्रेस की सभा में गोलियों से भून दिया गया। के मान याद करो सिंह चंद्रशेखर और सेवा दल को जो हंस हंसते इनकलाब जिंदाबाद नारा करते हुए फांसी के फंदे चुम लिया और भारत के लिए अपनी जान को कुर्बान करा। तो ऐसी कई हम लोग पूछते थे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस दशकों तक जेलों में बिताए, वो सब क्या भीख था? वो मंगल पांडे, खुदीराम बोस जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो सब क्या भीख था? वो बिरसा मुंडा तात्या टोपे से लेकर वो हर कोई व्यक्ति जिन्होंने जान न्योछावर किया और जेलों में रहे उस देश की आजादी के लिए, वो सब क्या भीख था? वो भीख इसलिए उनको दिखता है कि उनकी विचारधारा का और आजादी के जंग में वो कंट्रीब्यूशन नहीं था, कुछ जुड़ा उधर अलग था। मैं उसके पर ज्यादा आज टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आजादी के गौरव की यात्रा में किसी और पर टिप्पणी करना बहुत मुनासिब भी नहीं है। मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने ये रिपोर्ट रखूंगा कि जब आप तिरंगे की बात करते गांव में निकलते थे तो गांव के बुजुर्ग, गांव की महिला, श्रमजीवी, किसान, हर कोई रास्ते पे खड़ा रह जाता था, तिरंगे को सैल्यूट करता था। और सैल्यूट करना जिनको नहीं आता था वो नमन करके साष्टांग दंडवत भी करता था। तो ये हमारे तिरंगे झंडे की जो ये ताकत है इस देश के अंदर, वो हमको ये जो है इस यात्रा में देखने को मिली है। हमको एक और चीज देखने को मिली कि इस देश में, ये देश भावनाओं से जुड़ा है, ये देश भावनाओं से जुड़ा है। जब हम तप तपाती धूप में पैरों में छाले लिए हुए हमारे कार्यकर्ता चल रहे थे, तो मैं कांग्रेस के वो हर प्रदेश के नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हर फ्रंटल और हर सेल डिपार्टमेंट का मैं तहे दिल से आज धन्यवाद भी करूंगा कि सेवा दल रास्तों पर चल रहा था और पूरी कांग्रेस उसकी सेवा में लगी थी। ये बहुत बड़ा अनुभव था। कल रात को भी हमने देखा, पूर्व मंत्री हो, कोई जगह पे सीडब्ल्यूसी का मेंबर हो, कोई जगह पे एमएलए हो, मिनिस्टर हो, हर कोई परोसते थे और हमारे सेवा दल के सेनानी खाना खाते थे। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये भारत का कल्चर है, जहां पर वो नेता बड़ा छोटा नहीं देखता है, जो तपस्या करता है उसकी सेवा में लग जाता है। हमारी एक और जो अनुभूति रही वो यह है कि इस यात्रा के दरमियान कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा और बढ़ते मनोबल के साथ साथ हमने ये सोचा कि सेवा दल 99 साल का ये उसका समय चल रहा है, इस 28 दिसंबर को हम सेवा दल 100वें साल में प्रवेश करेगा। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की 5 पदयात्रा 2023 में हम लोग देश भर में, आपकी अनुमति चाहेंगे, आप जैसे कहेंगे, कहीं छोटी कहीं बड़ी, पर 5 पदयात्रा 5 दिशाओं में भारत में कर हम भारत में इस तिरंगे की और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं आज धन्यवाद करते हुए एक और जो नारा है वो आप सबके कहना चाहूंगा। फिर से मैं भारत माता की जय के साथ मेरी बात को यहां पर पूर्ण करूंगा। कई नारे नए निकल के आए हैं, वो रास्तों पे ठीक है, मंच पे नहीं आकर कहूंगा, पर मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा, आप सब लोग पूरे दिल से नाभि की आवाज से बोलिएगा, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1275 किलोमीटर की यात्रा थकान देने वाली नहीं, आनंद, उत्सव
और ताकत देने वाली रही, और उसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मौका हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे सेवा दल के साथियों को कहूंगा कि जो गांव गांव से जल और मिट्टी हमने इकट्ठा किया है, वो जल और मिट्टी, इस जल और मिट्टी से हम ये कहते हैं कि भारत का जल और मिट्टी मिला हुआ है, तो आप लाइए वो जल और मिट्टी को। भाई हेम सिंह आप आइए, सबसे ज्यादा 42 दिन राजस्थान के सेवा दल के अध्यक्ष ने और उनकी टीम ने पूरा समय दिया, तो मैं हेम सिंह भाई को जल और मिट्टी से चारों जगह पर रहने वाले हैं, शक्ति वीर भूमि पर, राजघाट पर, और यहाँ पर हमारे जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उन हर साथे हुए 5-5 पौधे बाद में कार्यक्रम के बाद लगाएंगे। अब मैं सर्टिफिकेट यहाँ पर दीजिए मुझे भाई, तो जो जो लोग जुड़े हैं जिन्होंने अलग 10 दिन 5 दिन 60 किया है उसमें सिंबल तौर पर मान्यवर अध्यक्ष महोदय जो है उनकी ओर से हम अभी 13 पदयात्री जो सबसे ज्यादा 60 दिन लगातार चले उन साथियों के लिए, और उन 13 प्लस एक मैं भी था, तो 14 पदयात्री हम ऐसे हैं जो 1 मीटर भी गाड़ी में नहीं बैठे हैं, और बड़ा आनंद मिला है, बड़ा सुकून मिला है। तो मैं उन सर्टिफिकेट को बाबूलाल टाइगर के नाम जाने जाते हैं, बाबूलाल आ जाए जल्दी आओ, हेतराम भाटी, बबलू बेन जल्दी जल्दी जल्दी, लक्ष्मण हंसदा, बनारस लक्ष्मण, बबलू जल्दी करो, लक्ष्मण, आनंद, ये लक्ष्मण और आनंद की जोड़ी सबसे पीछे की लाइन में पूरा संभाल रही थी, बाबूलाल खराड़ी, हमारे भाई गुजरात से जयसुख भाई, जा भाई नरेश, ये भाई नरेश हमारे वैद्यराज हैं, मेरे को मोच आई तो ठीक कर दिया 5 मिनट में,
और हमारे 84 साल के बुजुर्ग 60 दिन नहीं चले थे पर वो 30 दिन चले थे, तो मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूंगा। ये 84 ईयर है और पूरा 30 दिन चले, उनको विनती करके हमने वापस भेजा था। मैं मान्यवर अध्यक्षा हम सबके प्रेरणा की मूर्ति सोनिया जी को कहूंगा कि सेवा दल की परंपरा रही है कि जब सेवा दल बड़ा प्रोग्राम करता है, कहीं इकट्ठा होता है, तो हम वो गांधी जी, हार्डिकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए निर्देश पर प्रतिज्ञा लेते हैं। हर कोई यहां पर प्रतिज्ञा लीजिए लेंगे। आइए मैडम, जब शुरू करेंगे मैं से, तो अपना नाम देकर आप अपने हिसाब से आगे का बात बोलेंगे। मैं नाम अपना नाम पुकारना है, लालजी देसाई, कांग्रेस सेवादल का एक स्वयं सेवक होने के नाते, कांग्रेस सेवादल का एक स्वयं सेवक होने के नाते, सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस सेवा दल में रहकर कांग्रेस की नीति एवं आदर्शों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से देश और देशवासियों की सेवा करूंगी। मैं लालजी देसाई जिन अधिकारियों की अधीनता में रहूंगा उनकी आज्ञाओं तथा सेवादल द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का सर्वथा पालन करूंगा। कांग्रेस स्वयं सेवक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपना शरीर सबल बुद्धि सचेत तथा मन पवित्र रखूं। धन्यवाद। मैं मैडम को यहां पर प्रतिज्ञा हमारा शपथ दिलवाने पर धन्यवाद करते हुए भाई श्री अनिल भाई चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को विनती करूंगा कि यहां पर आए, यहां पर आप धन्यवाद वोट ऑफ थैंक्स करें, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। परम श्रद्धा आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा के साथ साथ मेरी मातुल्य सोनिया गांधी जी, परम श्रद्धा आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, भाई लालजी देसाई साहब, मंच के समक्ष दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ AIC पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए मेरे सेवा दल के, देश के हर कोने से आए हुए हर कार्यकर्ता का मैं आज अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर ये गौरव यात्रा आज यहां समापन की तरफ बढ़ी, लेकिन लालजी भाई देसाई और सेवा दल के अनेकों अनेक कार्यकर्ता लगातार लगभग 1275 किलोमीटर की यात्रा गांधी आश्रम, जहां महात्मा गांधी जी के उस पवित्र स्थान से शुरू करके आज उस स्थान तक पहुंचे हैं जहां महात्मा गांधी जी के जो अंतिम जो यात्रा थी, जो राजघाट पे जो इस मिट्टी को, इस दिल्ली को समर्पित किया गया, आज इस यात्रा का जो मिशन था, जो सोच थी, माननीय सोनिया जी का जो आदेश रहा, इस देश को आज बहुत जरूरी है जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए उदयपुर का जो नव संकल्प में जो निर्णय लिए गए, मैं समझता हूं भारत जोड़ने का इससे अच्छा प्रयास और नहीं हो सकता था। तो माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में
कांग्रेस आज उन तमाम लोगों के लिए आज संघर्ष करती नजर आती है जो इस देश के अंदर कुछ ताकतें बिखराव करने की कोशिश करती हैं। तो सोनिया जी के नेतृत्व में ये गौरवमय इतिहास लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को जोड़ने की बात करता है। और उन्हीं नारों के साथ आदरणीय लाल जी भाई ने आज जो नारे आपके समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं संदेश एक साफ तौर पर संदेश क्लियर है। तिरंगे की शान आन को लेकर के आप आगे बढ़े। पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि तिरंगों को लेकर के हटा करके आज संघी लोग अपने भाजपा के झंडे को राष्ट्र का झंडा बनाने की जब कोशिश करने की बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं ये देश हर मुल्क के हर देशवासी का है और तिरंगे में हर व्यक्ति का आज एक आस्था का पर्व है और इस आस्था के साथ इस देश को ना तोड़ने की जो वो सौगंध खाते हैं तो ये जो मंसूबे पाले लोग बैठे हैं मैं समझता हूं आज हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। तो राजघाट पे आज इस यात्रा का समापन हो रहा है। ये दिल्ली का इतिहास है क्योंकि ये 75 साल आजादी के 75 साल को मनाने का निर्णय सोनिया जी का था। हालांकि ये दायित्व सरकारों का भी था लेकिन ये सरकार आजादी से दूर भागती रही है। हम नहीं ये सब जानते हैं कि जो लोग आजादी से दूर भागे आज वो बेशक जिसको तिरंगे के रूप में हमारे सेवा दल के लोग साबरमती से लेकर के दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली एक ऐसा शहर रहा है जिसने आजादी से लेकर के आज तक यदि मैं कहूं राजघाट पर हमारे उन अनेकों नेताओं की समाधियां हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में योगदान दिया। अब का है अटी हुई तानाशाही सरकार को रोकने की कोशिश की। एक तरफ यात्राओं को खुले मंच प्रोवाइड किए गए और दूसरी तरफ भारत की गौरव यात्रा कांग्रेस की गौरव यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की लेकिन साथ देश के एक एक कोने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में आपके साथ साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय कांग्रेस। साथियों साथ ही साथ अभी हम दो नारे इस देश में और निकले कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और मैं आगे कहूंगा नफरत छोड़ो आप बोलोगे भारत जोड़ो। बंधन तोड़ो भारत जोड़ो जो जोड़ो जो नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो जात पात के बंधन तोड़ो जात पात के बंधन। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के प्रमुख सीएलपी हर नेता कार्यकर्ता मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उनको नमन करता हूं कि आप अगर शक्ति नहीं देते आप अगर हमारे लिए पूरी व्यवस्था नहीं करते तो यह यात्रा संभव नहीं थी। और सेवा दल कार्यकर्ता जो हर कार्यकर्ता को भी मैं उनकी शक्ति को प्रणाम करता हूं और कहता हूं अब सैल्यूट हम नहीं गेट टुकड़ी जन जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गंगा विंध्य हिमाचल तरंग तब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे जब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आजाद हिंद को
स्वामी नारा। सबका धन्यवाद। लाइन तोड़।